हेलो फ्रेंड्स, आज हमने एक ऑटोमेटिक लिक्विड लेवल कंट्रोलर का एक DIY प्रोजेक्ट बनाया है। उसके लिए हमने लिया है एक पंप है, टू दो पंप है, एक ओवरहेड टैंक के लिए और एक अंडरग्राउंड टैंक के लिए। ये पंप दो है और ये एक फ्लोट स्विच है। इसमें से तीन पॉइंट तीन कनेक्शन रहता है। एक कॉमन है और एक मोटर ऑन करने के लिए, एक ऑफ करने के लिए, और तीन लाइट है, एक रेड लैंप फॉर पावर ऑन और एक लाइट टैंक एम्प्टी के लिए और एक टैंक फिलिंग के लिए। उसका कनेक्शन डायग्राम हम बाद में डिस्कस करेंगे, तभी पहले हम इसका स्टार्टिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन चेक करते हैं। ये हम स्टार्ट करते हैं। अभी ये टैंक ओवरहेड टैंक फिल हो रहा है, उसका फ्लोट ऊपर आ रहा है। अभी व्हाइट लैंप जो है वो टैंक एम्प्टी का इंडिकेशन है। अभी ओवरहेड टैंक से पानी अंडरग्राउंड टैंक में ट्रांसफर हो रहा है। और फ्लोट नीचे जा रहा है। अभी टैंक एम्प्टी हो गया, इसके लिए वो फिलिंग पंप मोटर स्टार्ट हुआ और अभी ओवरहेड टैंक फिल हो रहा है, अंडरग्राउंड टैंक एम्प्टी हो रहा है। इसमें थोड़ा हाइट का प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा वाटर स्टॉप नहीं हो रहा है। हमने हमारा प्रीवियस वीडियो में सोलर सिस्टम, सोलर इन्वर्टर, PLC, स्काडा, ऑटोमेशन के बारे में कुछ वीडियो बनाया है। Thank you.